नॉर्थ इंडिया एक बहुत पॉपुलर स्टेट और शहर जहाँ से मेरा काफी इमोशनल जुड़ाव है, क्योंकि मैं भी उसी स्टेट से बिलोंग करता हूँ। सो हरियाणा ने फाइनली अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, और आप हरियाणा की अगर मेरे बैकग्राउंड में आप देखेंगे, आप DMER.haryana.gov.in पे जाते हैं, होम पेज पर आपको दो नोटिफिकेशन नजर आएंगी, आ चुकी थी परसों रात को, मैं अभी देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, मैं देख तो मैं चुका था। पहली शेड्यूल को देख लेते हैं, वो छोटा सा है, जब आप इसको क्लिक करेंगे, सो एक पेज का सिर्फ फिलहाल शेड्यूल सिर्फ दिया है, जिसमें ये बोला है कि 16 तारीख से, मतलब कि संडे से दोपहर को 12 बजे से लेके 21 तारीख तक हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और खत्म हो गया। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब ये 29 पेज का ब्रोशर जो है इन्होंने आपको दिया है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और कुछ बातें ऐसी आपके बेनिफिट के लिए जो मैं आपको लास्ट ईयर से दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट बात हरियाणा में यही है कि यहाँ पर भी NRI सीट्स होती हैं, और जो सबसे शानदार कॉलेज है, वन ऑफ द इंडिया टॉप 20 कॉलेजेस, PGMS रोहतक में भी NRI सीटें हैं। ऑफ कोर्स ये सीट मैट्रिक्स चेंज हो सकता है, मैं हम लास्ट के हिसाब से चल रहे हैं, कॉलेजेस बिल्कुल सेम है, वो इसमें भी आ गया है, जो सॉरी ये जो ब्रोशर है, तो कॉलेज सेम है, सीट्स क्या पता ऊपर नीचे हो जाए, पर आपको ब्रॉड आइडिया लग जाएगा। सो बिल्कुल यही पहले तीन प्योर गवर्नमेंट कॉलेज अंडर BD शर्मा यूनिवर्सिटी, महाराजा अग्रसेन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, ईसीए फरीदाबाद एक जमाने का सेमी गवर्नमेंट लेकिन आफ्टर द न्यू बॉन्ड, ये दोनों ज्यादा अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं बच्चों के लिए जो वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं। और फिर टोटल 5 प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें हम जानते ही हैं कि आदेश, NC और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज इज अंडर BD शर्मा, और SGT और अल्फला एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो अपनी डिग्री खुद देते हैं। तो इस तरह से एग्जैक्टली 11 MBBS कॉलेजेस हैं हरियाणा में। BDS हम जानते ही हैं सरकारी सिर्फ एक ही है, और ये वाला कॉलेज भी इस साल बंद हो गया है, तो इस समय ये दोनों बच्चे हैं, यमुनानगर के दोनों बच्चे हैं, फरीदाबाद और सिरसा का बच्चा है, और ये वाले कॉलेज ने अब फ्रेश एडमिशन लेने बंद कर दिए हैं। तो NRI की सीटें हैं, इसका फायदा ये होता है कि अब आप देखेंगे कि स्पेशली PGMS रोहतक में बहुत महंगा नहीं है, देखिए है तो सही, बट जिसके पास बजट है और नंबर थोड़े से कम है, लेकिन PGMS रोहतक में पढ़ना चाहते हो, तो 1 CR के बजट में आप पढ़ सकते हो, और यही आपको इस ब्रोशर में दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 29 पेज का ब्रोशर है, बहुत दिक्कत नहीं है, पहले पेज में कुछ नहीं था, हमने भी डिस्कस किया, 5 मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी, एक सेमी गवर्नमेंट जो पहले हुआ करता था, गवर्नमेंट एडेड महाराजा अग्रसेन अग्रोहा, और उसके अलावा फिर 3 प्राइवेट अंडर BD शर्मा, और 2 जो अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री देते हैं, BDS के लिए रोहतक हो गया, और जैसा हमने भी बात की, नहीं चालू, आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें अभी देखने वाला। आपको ये बता दूं कि हरियाणा भी प्राइवेट कॉलेजेस में 50% सीट्स देता है हरियाणा डोमिसाइल को, या छोटे से हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंट को, लेकिन कोई फीस का फर्क नहीं है। तो बाकी सब स्टेट्स में फीस का काफी फर्क होता है, हरियाणा आपको एक बेसिकली सीट में एडवांटेज दे देता है, मेरिट लिस्ट में एडवांटेज दे देता है, लेकिन फीस में कोई एडवांटेज नहीं देता। सो इस बात का हमें ध्यान रखना है, आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आपको सीट ले लेते हो, आप छोड़ते हो, तो वो बॉन्ड मनी है, आई थिंक इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी बॉदर टू पीपल। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है इसमें, जो इस बार ब्रोशर में नहीं लिखा हुआ है, सारे कॉमन है, कुछ खास नहीं है इन पेजेस में, राइट? फर्स्ट राउंड की फीस सिर्फ 2,500 रुपये है, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, वो शायद कहीं लिखा हुआ था या नीचे दोबारा आ जाएगा, और 1,250 है कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और सेकेंड राउंड में 10,000 रुपीज अगर सिर्फ गवर्नमेंट में अप्लाई करना है, और 1 लाख रुपीज अगर प्राइवेट भी देखना है, और यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि समझदारी वाला डिसीजन कि हमें वो 1 लाख रुपये कब देने हैं, क्योंकि तो डेफिनेटली अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिल जाती है, तो फिर वो 1 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाता है, वी नो, राइट? इसमें कुछ ऐसा खास फर्क नहीं है,
जो हाँ मैंने कहा था 2500 रुपये अभी देने पड़ेंगे फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। राउंड वन से ही हरियाणा ओपन स्टेट है, तो जो भी नॉन हरियाणा स्टूडेंट्स हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस चाहते हैं हरियाणा के जो पांचों हैं, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एनआरआई में देखिए भी ओपन है ये पूरे इंडिया के लिए, फर्क सिर्फ ये है कि इसमें एक पैरेलिटी है, राइट? तो उन्होंने बोला है कि प्रेफरेंस ऑफ एडमिशंस विल बी लाइक दिस, एक्चुअल एनआरआई हु ओरिजिनली बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ हरियाणा, देन चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हु बिलोंग टू हरियाणा, देन एक्चुअल एनआरआई हु डजंट बिलोंग टू हरियाणा, चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हु डजंट बिलोंग टू हरियाणा, और फाइनली जो हमारा पांचवा बड़ा कॉमन चल रहा है कि आपका चाचा ताऊ मामा बुआ मौसा मौसी में से कोई अगर बाहर रहता है तो वो या उनके बच्चे आपको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। ये पर इन्होंने प्रायोरिटी बहुत डिफाइन कर दिया है, विच मीन्स आप ध्यान रखिए अगर आप हरियाणा डोमिसाइल के हैं आपके 200 नंबर है, नॉन हरियाणा डोमिसाइल में किसी बच्चे के 350 नंबर है, तो फर्स्ट चॉइस 200 नंबर वाले हरियाणा वाले को मिलेगी हु ओरिजिनली बिलोंग्स टू हरियाणा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो ये प्रेफरेंस मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे ज्यादा एनआरआई में इसमें यही है कि जो जो टॉप क्लास गवर्नमेंट कॉलेजेस है खासकर पीजीएमएस रोहतक और कल्पना चावला, उसके लिए लोग जोर मारते हैं। फी स्ट्रक्चर अभी आने वाला है आपको मैं दिखा देता हूँ, और मैंने आपके लिए कैलकुलेशन करके रखी हुई। बाकी फ्रीडम फाइटर वगैरह का जो सीट्स हैं जो आपने यहाँ देखा ही होगा, थोड़ी थोड़ी सीट्स हैं हर जगह कि एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर का हर कैटेगरी के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है हरियाणा में, जैसे कि अपना फिजिकल हैंडीकैप का होता है ना, बिकॉज हरियाणा स्टेट में वैसे भी काफी सारे आपको पता ही है फ्रीडम फाइटर होता है, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। दैट मीन्स हर कैटेगरी के अंदर से 1% सीटें निकाली हुई हैं, तो अक्सर एक दो सीटें आपको मिल जाती हैं हर एक कैटेगरी में इन कॉलेजेस में। ओके, इसमें भी पढ़ने लायक कुछ खास नहीं है, स्पीच को इग्नोर कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो लिमिट होती है हरियाणा में वो 6 लाख रुपए होती है, आपको ध्यान रखना है ये रहा। तो अगर आपने 8 लाख के हिसाब से सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वो नहीं चलेगा, हरियाणा का ईडब्ल्यूएस 6 लाख होते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आपको फिर वो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट? तो वो आपको ध्यान रखना है। कुछ खास नहीं है फिर, ठीक है चलने दीजिए। फिर ये सारे आपके एफिडेविट्स के फॉर्मेट्स आ गए, जिस भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप बनवा सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हरियाणा का बोनफाइड रेजिडेंट, और अगर आप पॉइंट वन देखेंगे तो इट इज लाइक पंजाब, कि अगर आपने 11th 12th हरियाणा स्टेट से करी है किसी भी बच्चे ने तो उसको भी हरियाणा का रेजिडेंट बेनिफिट मिल जाएगा, और वो 85% स्टेट कोटा में हरियाणा में आ सकता है। उसके अलावा भाई जो आप बोनाफाइड हरियाणवी हैं तो फिर तो है ही, और फिर से जो आपको पता ही है तकरीबन हर स्टेट में ये रूल्स आते हैं, अगर आप हरियाणा स्टेट के हैं बाहर कहीं पोस्टेड हैं एक्सेट्रा सेट्रा सेट्रा, तो उसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। मोटा मोटी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 11th 12th हरियाणा से करी है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है? इसमें कुछ खास नहीं है, हम सबने फॉर्म तो भरना ही है। फिर ये फॉर्मेट आ गए, देखिए ये वो है कि आप सिर्फ हरियाणा स्टेट का 85% कोटा का बेनिफिट ले रहे हैं, बेनिफिट ऑफ रेजिडेंस का, दैट मीन्स आप दो जगह से डोमिसाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में जो आपको मिलता है वो मिलता है 11th 12th दिल्ली से करने का, यू आर नेवर गिवन अ बेनिफिट ऑफ रेजिडेंस ऑफ दिल्ली स्टेट, राइट? मेरा कहने का मतलब ये है कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में स्कूलिंग करते हैं, वो डमी स्कूल हम सभी जानते हैं। तो आप मत घबराइए, अभी भी जो लैंग्वेज है जो लॉजिक है उसके हिसाब से आप हरियाणा दिल्ली दोनों जगह भर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये बाकी सारी और फॉर्मेट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस में फिट हो रहे हैं, आप किस से लेना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आपने 11th 12th दिल्ली के स्कूल से करी, हरियाणा के स्कूल से करी है, तो आप ये सर्टिफिकेट आपको आपका प्रिंसिपल भी इशू कर सकता है और वही आप लगा सकते हैं। फिर बहुत सारे आ गए, शेड्यूल कास्ट का आ गया। अब आगे इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज फीस, गवर्नमेंट फीस। जो चार कॉलेज हैं कल्पना चावला भगत फूल सिंह पीजीएमएस रोहतक और शहीद हसन मेवाती, उसकी फीस 80,000 रुपीज पर ईयर बैठती है प्लस 10% इंक्रीज, आई थिंक इट इज नेग्लिजिबल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनआरआई के लिए जितनी भी सरकारी सीटें थी सभी में है 1,25,000 डॉलर, तो आज के रेट के हिसाब से आप ब्रॉडली इसको 1 CR मान सकते हैं, राइट?
और आप, मैंने फिर से कहा था कि अगर आप इन एनआरआई सीट्स को देखेंगे तो बेसिकली 6, 3, 9, 3, 9 इन सीट्स के लिए आप 1 CR में आ सकते हैं हरियाणा में। अग्रोहा की फीस तकरीबन तकरीबन 2 लाख रुपए बैठती है, पर ये 2,20,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, और फरीदाबाद की फीस 1 लाख रुपए बैठती है। और जो लास्ट ईयर जो ये 10 लाख वाला बॉन्ड आया था हरियाणा में, आप सबको याद होगा, जो अगर आपके सीनियर साहब, उन्होंने आपको बताया होगा कि हरियाणा में जो पहले 4 कॉलेज है, ये बॉन्ड देखिए अग्रोहा और ESA पे लागू नहीं होता है, तो जो बाकी 4 कॉलेज है जो BD शर्मा यूनिवर्सिटी के अंडर आ रहे हैं और उसके अंदर ये बॉन्ड लागू होता है। ये बहुत क्लियर कट क्लैरिफिकेशन आया था लास्ट ईयर भी कि ये जो बॉन्ड है ये किस किस कॉलेज पे लागू है। तो ये उन दो पे लागू नहीं था, बिकॉज ESI इज काइंड ऑफ ए सेंट्रल कॉलेजेस, मैं अगर देख रहा हूँ, क्योंकि तो इन्होंने मेंशन किया था कि ये जो बॉन्ड है ये इन 4 कॉलेजों पे ही लागू होता है। और ये बॉन्ड इस साल भी है, अगर आप इसकी डेट देखेंगे, ये लास्ट ईयर 6 नवंबर 2020 को आया था, और यही बॉन्ड मेंशन किया गया है इस साल भी। मैंने ढूंढा था वो पेज कि देखिए ये जो पॉइंट नंबर 15 था पेज नंबर 7 पे, ये वही बॉन्ड है जो लास्ट ईयर आया था, तो अभी भी वो बॉन्ड है, कैंसिल नहीं किया गया है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, इसके अलावा हम फी स्ट्रक्चर पे आ गए थे, तो गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ नथिंग, एनआरआई की फीस मैंने आपको बता दी। आप प्राइवेट जो 3 मेडिकल कॉलेज है, 12 लाख रुपीज पर ईयर फीस है विद 7.5% इंक्रीमेंट। तो अगर आप क्विकली देखेंगे तो ये जो फीस है ये 62 लाख के करीब ट्यूशन फी बनती है 4.5 साल की। उसमें आप हॉस्टल के पैसे लगा लीजिए तो आपका तकरीबन 70 लाख के करीब बैठ रहा था हॉस्टल प्लस ये सब खर्च फीस मिला के। और उसके अलावा जो मैंने सुना है कि हरियाणा में देखिए मिसलेनियस हिडन चार्जेस भी चलते हैं, क्योंकि मुझे वही लास्ट ईयर फीडबैक आई थी कि हर जगह से ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नाम से पर मंथ 4 से 5 हज़ार मांग लिए जाते हैं। तो अब रफली मान के चलिए कि आपका जो टोटल पैकेज है वो 75 तक पहुंच जाएगा इन ऑल दीज 3 कॉलेजेस, राइट। BDS की हम आपको पता ज्यादा बात करते ही नहीं हूँ मैं, आप SGT पे आ जाइए, SGT ने फीस अभी सेम रखी हुई है 18 लाख रुपए पर ईयर, तो इसके हिसाब से आपकी 81 लाख रुपीज फीस बनती है, और हॉस्टल मिला के तकरीबन 90 लाख रुपये आपका खर्चा होता है 91-92 SGT में। और NRI की फीस तो इनकी खैर अलग है ही, जो कि पर ईयर $40,000 है, तो रफली स्पीकिंग 30 लाख पर ईयर, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। यही SGT की NRI की सीट्स हैं जो कि लास्ट राउंड में आके कन्वर्ट हो जाती है मैनेजमेंट सीट्स में, क्योंकि तो इतनी फीस SGT में देने वाले बहुत कम लोग आते हैं, और वहीं पर है कि थोड़ा सा मिल जाता है कम मार्क्स के बच्चे को एडमिशन SGT में। अल्फला की बात करें, मैंने एक वीडियो बनाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, कॉलेज में खुद देख के आया था, तो इसको जोड़ लीजिए तो 14×54 और तकरीबन 65-66 इसकी फीस बैठती है, बाकी कॉलेज से 3 लाख ज्यादा, फिर हॉस्टल मिला के ये 75 तक पहुंच ही जाता है। सो SGT आपको 91-92 का पड़ेगा, बाकी चारों ही कॉलेज हरियाणा के सब मिला के आप 75 तक मान सकते हैं, इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन ऑफ द फ्यूचर, राइट। तो ये फी स्ट्रक्चर हो गए, PDM का BDS ही था। ये देखिए डॉक्यूमेंट, जब जब एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपको सीट मिल जाती है, तो खोज में कुछ खास ऐसी सीट डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि आपके पास होगा नहीं अवेलेबल, तकरीबन सभी होगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। एंड देन वंस अगेन, अगर आप फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसके एफिडेविट्स हैं। सो ये हो गया हरियाणा का ब्रोशर। जैसा मैंने कहा, संडे से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी, 2,500 रुपये, 1,250 रुपये अभी देना है। सबसे समझदारी यही रहती है हरियाणा में, अगर आप और स्टेट्स को देख रहे हैं तो कैसे आप अपने 1 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट को ध्यान से इन्वेस्ट करें। अगर राउंड टू में आप देते हैं और 1 लाख रुपये दे देते हैं, सीट अलोकेट हो जाती है और हम सीट नहीं लेते हैं तो 1 लाख रुपये जब्त हो जाते हैं,
रजिस्ट्रेशन हरियाणा में सेकेंड राउंड में भी अवेलेबल है, पर मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जब फर्स्ट राउंड में कर ही सकते हो, फ्री एग्जिट होता ही है, तो शुरू से ही कर लो। और मॉपअप राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन दिया गया था लास्ट ईयर, इस साल अभी कुछ खास इस बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ था। और ये मैट्रिक्स तो हमने लास्ट ईयर का देखा, सो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। और जैसा मैंने कहा, फॉर नॉर्थ इंडिया, पंजाब इज ए क्लोज स्टेट, हिमाचल हैज गॉट ओनली वन कॉलेज, राजस्थान फीस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो यू नो 72 से 75 के बजट में हरियाणा एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टू डू देयर MBBS। सो बेस्ट विशेष, देखते हैं अगले 1.5 महीने 2 महीने, तो 2 महीने आ ही गया है शेड्यूल MCC पे, सो मार्च एंड तक काउंसलिंग चलेगी ही। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।